सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ। शाहजहांपुर की वो लड़की जिसने चिन्मयानंद पर आरोप लगाया और जिसके आरोप पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो लड़की शाहजहांपुर की जिसने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, ये कहते हुए कि एक स्वामी है, बहुत ताकतवर है, उसने उसकी ज़िंदगी और उसकी जैसी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर रखी है, वो परिवार को उजाड़ने की धमकी देता है, कहता है कि ज़िला प्रशासन उसकी जेब में है, सरकार उसके साथ चलती है, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, उससे मुझे सुरक्षा दी जाए। उसके बाद वो लड़की गायब हो गई थी और 30 अगस्त को फिर उसके बाद वो सामने आई, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने उसको पेश किया गया। लड़की ने 4-5 बातें कहीं, उसने कहा कि मुझे बहुत डर है कि मेरी जान कहीं ना चली जाए, मेरे समूचे परिवार को दिल्ली बुला लिया जाए, मैं उत्तर प्रदेश दिल्ली से नहीं जाना चाहती हूं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश राज्य सरकार को दिए और वहां के प्रशासन को दिए। पहला ये है कि लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसके लिए एक एसआईटी बनाई जाए जिसकी अगुवाई कोई IG रैंक अधिकारी करे। दूसरी बात यह है कि लड़की का भाई जो चिन्मयानंद के ट्रस्ट में पढ़ता है उसका एडमिशन कहीं और करवाया जाए, क्योंकि उसको डर है कि चिन्मयानंद के ट्रस्ट में पढ़ेगा तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। तीसरी बात यह है कि चिन्मयानंद की तरफ से जो क्रॉस FIR करवाई गई है उसकी जांच राज्य सरकार करवाए। और चौथी कि लड़की के समूचे परिवार को राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अब इसके बाद यह मामला 3 जगहों पर है, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि जो क्रॉस FIR है उसकी जांच करवाने के लिए आप देखिए, और राज्य सरकार जिसके पास जिम्मेदारी यह है कि परिवार की सुरक्षा, उसके भाई का एडमिशन और बाकी लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जाँच। अब ये 3 जगहों पर वो मामला है जिसको आप शाहजहांपुर लड़की के जरिए लगाए गए आरोप का मामला कहते हैं, सुनवाई कोर्ट में है। मैं अब लड़की के पिता से बात करना चाहता हूं यह जानने के लिए कि इतने दिनों में 23-24 अगस्त को पिछली बार जब मैंने बात की थी 4 रोज़ पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी 24 अगस्त से गायब है, मेरे परिवार से उसका कोई संपर्क नहीं, उसका मोबाइल बंद है, मेरी पत्नी जब गई थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो हॉस्टल में उसका ताला बंद था और वो उसके बाद से हम लोगों के संपर्क में नहीं है। फिर लड़की दिल्ली में दिखी, राजस्थान में दिखी, पुलिस के संपर्क में आई, इलाहाबाद के जरिए, बल्कि माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर उसके बाद वो आई और अब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कई जगहों पर देखा सुना जा रहा है, राज्य सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अब परिवार को मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार का कहना और परिवार की यह बात बहुत ज़रूरी है कि अभी उसको क्या लग रहा है। जो आरोप लड़की ने लगाए चिन्मयानंद पर, उसके पिता ने भी कहा था कि हाँ बिल्कुल दुरुस्त है और ये आदमी ख़तरनाक है, ये हम लोगों की जान पर खेल सकता है, ये अपने लिए कुछ भी कर सकता है। क्या परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद से परिवार को क्या किसी तरह का डर, किसी तरह की धमकी है? लड़की अभी परिवार के संपर्क में है और मामला जो कानूनी हो चुका है, अदालती हो चुका है, उसको लेकर के परिवार क्या कहना चाहता है? लिहाजा मैं अब लड़की के पिता को फ़ोन लगाना चाहता हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए, ये फ़ोन बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से भी कि उनसे मेरी बात जब पिछली बार हुई थी तो लगभग सारी बातें उन्होंने रो रो कर कही सुनाई थी, जैसे एक पिता अपनी बेटी या औलाद को लेकर के डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है और चाहता है कि उसको किसी तरह का खतरा ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बेटी चूँकि जिस तरीके से अपना वीडियो डाली थी रो रो करके और अपना हाल सुनाया था, उससे कोई भी पिता दहल सकता है, कोई भी माँ सिहर सकती है और पूरा परिवार बेहाल था। और उन्होंने कहा था कि मैं आपका फ़ोन 10 मिनट के बाद शायद ना उठा पाऊँ और मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा उठा लें, वो पहली बार उन्होंने नहीं उठाया, हो सकता है कि कुछ व्यस्तता रही हो, कहीं वो बैठे हुए हों, कोई काम कर रहे हों, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बेटी संपर्क में है और कोर्ट में अब हियरिंग है, कल भी सुनवाई है, हम अपना पक्ष रखेंगे, हम चाहते हैं कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे और चिन्मयानंद से हमको बचाया जाए। वैसे चिन्मयानंद के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मेरे मुवक्किल पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, वो निर्दोष हैं, उनका कोई भी दोष नहीं है, ये सारे आरोप निराधार हैं, लेकिन चिन्मयानंद की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है और चिन्मयानंद कहाँ हैं यह भी तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा सकता है। यह लड़की के पिता
का फ़ोन है जो अभी नहीं लग रहा है। हालांकि जब मैंने 15 मिनट पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 5 मिनट के अंदर आप कर लीजिए, मैं कहीं व्यस्त होने वाला हूँ। हो सकता है कि मुझे थोड़ी देरी हो गई हो और वो व्यस्त हो गए हों, लेकिन उनसे मैं संपर्क करने की दोबारा कोशिश करूँगा। यह मामला शाहजहाँपुर का है। हमने आपसे वादा किया था कि मामला सिर्फ इकलौता मामला नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी लड़कियाँ हैं और जितने भी ताकतवर लोग हैं, उस लड़कियों की इज्जत, उनकी हिफाजत और परिवार की सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जो खतरनाक होते जा रहे हैं और वो एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। इस तरह का ट्रेंड बताता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जितने भी ताकतवर लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, गोली बंदूक वाले लोग हैं, वो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं करते रहते हैं। गरीब परिवार या गरीब परिवार की बेटी अपनी इज्जत की खातिर, इंसाफ की खातिर लगातार लड़ाई लड़ती है और उस लड़ाई में परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है, जैसा उन्नाव का मामला हम लोगों के सामने है। लेकिन शाहजहाँपुर के मामले में लड़की का पूरा परिवार सुरक्षित रहे और उसको इंसाफ मिले, इस लड़ाई में हम लोग भी शामिल हैं। लिहाजा मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगा लड़की के पिता से बात करने की, लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ इस पूरे मामले को एक बार फिर से रैप अप करने के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि क्रॉस एफआईआर की जांच करके देखे सच क्या है। राज्य सरकार को कहा है कि लड़की के परिवार की सुरक्षा की गारंटी आप तय करें, उसके भाई का एडमिशन ट्रस्ट जो है चिन्मयानंद का वहां से हटा करके कहीं और करें और पूरे मामले की जाँच एसआईटी के जरिए करवाएं जिसकी अगुवाई कोई आईजी रैंक का अधिकारी करें। फिलहाल शाहजहाँपुर का मामला यहाँ आकर के खड़ा है, कोर्ट में सुनवाई है, कोर्ट की निगरानी में मामला चल रहा है, हमारी भी नज़र बनी हुई है, परिवार के संपर्क में हम लगातार हैं और जब कभी भी कोई भी नई बात होगी तो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।